अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सादी स्पीक्स चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साइलेंट गर्ल कौन है, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या वाकई पाकिस्तान का मशहूर टिकटॉकर ज़ुल्कुरनैन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है या सिर्फ ये साइलेंट गर्ल का रचाया हुआ ड्रामा है। साइलेंट गर्ल टिकटॉक पर वीडियो बनाने से पहले क्या काम करती थी, उसको इस फील्ड में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, सिंगल हैं या मैरिड, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। साइलेंट गर्ल आज टिकटॉक स्टार बन चुकी हैं। उन्होंने फेम हासिल करने के लिए टिकटॉक पर एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ुल्कुरनैन उनसे मोहब्बत करते हैं, हालांकि हकीकत उसके बरक्स थी। साइलेंट गर्ल ने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ये ड्रामा किया था। ये वीडियो बनाने से पहले वो टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी। ज़ुल्कुरनैन वाली वीडियो बनाते ही कुछ अरसे में उनकी वीडियो वायरल हो गई और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनकी इस वीडियो को देखा। साइलेंट गर्ल का असल नाम मुकद्दस है। वो साइलेंट गर्ल 4 जनवरी 1995 को पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुई। अपने शहर से मोहब्बत की मिसाल उन्होंने इस तरह कायम की कि अपने हर वीडियो में वो बाबा जी सियालकोट डायलॉग इस्तेमाल करती थी और आज तकरीबन हर नया टिकटॉकर अपनी वीडियो में ये डायलॉग जरूर यूज़ करता है। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। टिकटॉक पर उनके 3 लाख से ज़ायद फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पर 140K 1,40,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। वो अपने फ़ोटोशूट्स करवाती रहती हैं। हाल में उनका एक गाना ठोक ठोक रिलीज़ हुआ है जिसमें उन्होंने शमस नवाज के साथ मॉडलिंग की। ज़ुल्कुरनैन का नाम यूज़ करके उन्होंने जो फेक वीडियो बनाई थी, बाद में उन्होंने अपनी इस हरकत पर एक वीडियो में ज़ुल्कुरनैन से माफ़ी भी मांगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।